नमस्कार, नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हम प्रेस क्लब में हैं, थाना के पास फतुहा, जहां पर पत्रकार विशाल कुमार सिन्हा जी का असामयिक मृत्यु के कारण जो है इनका आज विशाल कुमार सिन्हा जी का शोक मनाया जा रहा है। उसमें आप क्या शोक संवेदना व्यक्त करते हैं? देखिए, बहुत दुखद बात है, विशाल कुमार युवा पत्रकार जो खबर से हिंदुस्तान के संवाददाता थे, कल इन्होंने सुसाइड कर लिया है। और सुसाइड के पीछे जांच पड़ताल में यह बात सामने आई है कि उनको एक महिला नेत्री से संबंध था, प्रेम था, और बाद में फिर किसी बात को लेकर झगड़ा हुई, तब इन्होंने महिला के उस काबे पे आत्महत्या कर ली है। हम पटना के बड़िए पुलिस अधीक्षक से मांग करते हैं कि इस घटना का न्यायिक जांच हो और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं प्रेस कार्यालय फतुहा में, हमारे एक पत्रकार साथी जो खगौल से हिंदुस्तान अखबार के रिपोर्टर थे, उनकी कल मौत हो गई है। मामला सुसाइड का या हत्या का, ये तो पुलिस का मामला बनेगा। हमारे साथी हमारे अखबार से वर्षों से जुड़े हुए थे, बहुत ही मिलनसार और मृदुभाषी स्वभाव के थे। आज हम लोगों ने यहाँ उनके लिए एक शोक सभा का आयोजन किया है। यहाँ पर उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि दी और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान। मैं अमरेश सिंह, G19 TV के तरफ से युवा पत्रकार विशाल कुमार जो खगौल हिंदुस्तान से लिखते थे, उनकी आकस्मिक निधन को सुनकर काफ़ी दुख महसूस हो रहा है। पत्रकारिता जो सरकार और जनता के बीच की समस्याओं को, संदेशों को सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम बनता है। देखिए, यह तो बहुत दुखद बात है और मैं चाहता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और मैं इनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और आज हम लोग प्रेस क्लब में इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि दानापुर के जो हिंदुस्तान के पत्रकार थे विशाल कुमार सिन्हा जी की असामयिक मृत्यु से हम सभी काफ़ी दुखी हैं और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं।